तो अभी रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, NIT जमशेदपुर का वेबसाइट खुल रहा है, और साथ ही साथ एक और डाउट आ रहा था कि जो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर लिंक पे क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड करना होता है उसमें बताया जा रहा है कि जो रिपोर्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैल रिपोर्ट टू इन टू द इंस्टीट्यूट एज़ पर शेड्यूल बिलो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेट दिया गया है, और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ क्लासेस भी लिखा हुआ है। तो एक डाउट आ रहा था कि क्या हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्या लगेज और जो भी बैग्स है वो सब लेके एक बार में एकदम वहाँ पर चला जाए, मतलब सारे जो भी हॉस्टल्स की जो भी ज़रूरी सामान है वो भी लेके जाएं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, 14 तारीख को जिसको रिपोर्टिंग करना है उसको 17 तारीख को उनका क्लास स्टार्ट हो जाता है, और 15 15 तारीख को जिसका रिपोर्टिंग है 17 तारीख। तो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, मतलब करीब आपका घर करीब है NIT जमशेदपुर से, तो आप नॉर्मली रिपोर्टिंग करके आ जाइए घर में जाओ, देन फिर से लगेज पैक करके फिर परमानेंटली कॉलेज के लिए जाओ। मतलब आप 2 बार जा सकते हो कॉलेज में, लेकिन जो दूर से जा रहे हैं जो लोग, जो स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक एक ही बार सारे लगेज और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार रिपोर्टिंग करने के बाद किसी तरीके से अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता है उससे पहले अगर टाइम थोड़ा सा लेता है तो थोड़ा सा PG लेके और होटल लेके वहाँ पर रह के आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मतलब एक बार ही आप जा सकते हो अगर आपका दूर से आप ट्रैवल कर रहे हो तो NIT जमशेदपुर में। तो ये एक इंस्टेंट अपडेट था क्योंकि NIT जमशेदपुर का वेबसाइट 2 दिनों से खुल नहीं रहा था, लेकिन अभी खुल रहा है। तो जो लोग को कांटेक्ट करना है कॉलेजेस में अगर किसी रीज़न से, तो वो कांटेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट चेक कर सकते हैं किसी रीज़न से। तो इसके लिए एक क्विक अपडेट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और सफिशियंट और क्विक अपडेट्स मिलते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।